दोस्तों अभी शाम के 4 बज चुके हैं और एक अच्छा है खबर कि पापा का लोडिंग का बात हो गया गाड़ी का, इसलिए पापा निकल रहे। देखिए अभी दोस्तों हम लोग गाड़ी के पास आ गए हैं, अब खोलते हैं, अंदर जाते हैं, देखते हैं। देखिए वहाँ पे पनीर भी बिक रहा है, तो हम देखिए आज बना रहे हैं पालक पनीर बनाने का विचार हुआ आज। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी सुबह का 9 बज रहा है और हमारा ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और अभी हम लोग जामताड़ा में ही हैं। सारा त्यौहार तो हम लोग का पार हो गया है, अब हम क्या है कि ट्रांसपोर्ट तरफ बातचीत कर रहे हैं। तो अभी सुबह का 10 बजे से स्टार्ट होगा ट्रांसपोर्ट में बात करना, क्योंकि ऐसे भी ट्रांसपोर्ट वाला सब 10 बजे के बाद ही फोन उठाता है। पिछला ब्लॉग में देखे हम 2-3 दिन से यहीं पर है, हमारा त्यौहार तो माँ के साथ बहुत अच्छी तरह कट गया, अब बहुत काफ़ी साल बाद मेरा कटा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। सब पुराना फैमिली सभी मिला यहाँ पे, पूरा सब मेला वाला भी घूमे, अच्छा लगा हमको यहाँ पे। गांव घर का मेला तो वैसे ही होता है ना, तो वैसे ही घूमे। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम जा रहे थे बाजार कुछ सब्जी वगैरह लाने के लिए, और हमारा जो काम नहीं हुआ था, जो हमारा काम कुरियर वाला नहीं हुआ था, वो कुरियर वाला भी काम करना आज हमको, और अपना थोड़ा सब्जी वगैरह भी लेकर आते। देख सकते हो बाइक मेरा धो दा कर रेडी है, सागर सुबह उसको पूरा धो दिया है। तो ठीक है दोस्तों, निकलते हैं अभी बाजार के लिए। ₹40 पीस। दोस्तों अभी दोस्त लिए हैं गोभी और बैंगन लिए हैं, और गांव घर में है तो साग वगैरह भी ताज़ा मिल जाता है। चलते हैं उधर और बाज़ार है, तो साग भी लेते हैं अभी। हिसाब से लगाओ पालक, नहीं नहीं हिसाब से लगाओ पालक, हाँ वो कितना हो, 40 रुपये चल रहा है। अब पालक वालक खाते हैं हम, इसी लगे ले रहे हैं। दोस्तों आज भी आए कुरियर करने, तो बंद ही मिल रहा है, फोन लगा रहे हैं तो स्विच ऑफ बता रहा है। लिए पड़ोसी से नंबर उनका दुकानदार से, तो देख लगा रहा स्विच ऑफ बता रहा है, अब घर से ही कॉल लगाएंगे, घर बात हो जाता तो आ जाएंगे फिर। तो सब्जी तो ले लिए कुछ थोड़ा बहुत, और जा रहे माँ के लिए फल वगैरह लेने के लिए, तो चलते हैं। फल दुकान इधर भी उधर भी है, जहाँ अच्छा लगेगा ले लेते हैं। केला केला 50 से 60 है। दोस्तों सामान वगैरह लेके आ चुके हैं, अब चलते हैं घर। दोस्तों सब्जी तो लेके आ गए बाजार से, और अपना सब्जी में आज देखिए खाना भी हमारा दोपहर 2 भी बज गया है, खाने का टाइम भी हो गया है। ये देखिए कोहड़ा लिए थे, कोहड़ा का सब्जी बना है, और बैंगन का भुजिया, और ये दाल, और रोटी भी है, थोड़ा पापड़ भी है। जिस काम से गए थे पर्सनली वो काम तो हुआ नहीं, फिर एक बार जाना पड़ जाएगा शाम में। तो ठीक है, खाना खाते हैं। दोस्तों अभी पापा और सुमन तो खाना खा लिया, हमने खाया, मेरा अभी थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया है, खांसी हो गया है, क्योंकि कल विसर्जन के टाइम में थोड़ा बारिश होने लगा था तो उसी में भींग गए थे। तो ये दोनों खा लिए, उसके बाद अगर देखते हैं अगर बाद में सही लगेगा तो हम भी खा लेंगे। तो अभी ऊपर में बैठे हुए छत पर धूप में, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ठंड भी बढ़ा दिया है, अभी झारखंड में ठंड बढ़ने लगा है। रांची साइड तो रामगढ़ में और ठंड था, लेकिन यहाँ पर आने में थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी देख रहे 2-3 दिन से इधर भी ठंड बढ़ने लगा। तो माल का जितना अभी तक बात हुआ है तो वैसा माल भी नहीं मिल पा रहा, लोकल माल मिल रहा है, और लोकल माल में फिर भाड़ा बचता ही नहीं, अपना सारा तेल में ही चला जाता है खाने पीने में। तो इसलिए पापा को बोले हैं थोड़ा देखिए, लेट से ही देखिए, लेकिन मतलब थोड़ा लंबा टूर का मिलना चाहिए। और हमारे सेठ जी रायपुर भी बुला रहे हैं, तो शायद कुछ गाड़ी का कुछ उनको काम करवाना होगा, तो रायपुर भी वो बोल रहे हैं कि चक्कर देखो, अगर रायपुर भी आ जाएगा तो सही रहेगा। तो ऐसा माल ढूंढ रहे कि रायपुर होते हुए जाए, अगर नहीं तो बोले कि अगर नहीं हो पाएगा तो दूर का भी ले कर घूम के भी आ सकता है। तो अब देखते हैं जो अभी होता है, जैसा सब कुछ माल डिपेंड करता है माल मिलने पर, जहाँ का माल मिलेगा, और भाड़ा भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग आसाम से फिर खाली गाड़ी लेके आ गए तो उसमें भी तेल का थोड़ा पैसा लग गया था। तो वही सोच रहे कि अच्छा भाड़ा मिल जाए तो लेके ही जा, मतलब अच्छा भाड़ा मिल जाए, कुछ पैसा बच जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी धूप में बैठे हैं, देखते हैं फिर। दोस्तों अभी शुभम भी छत पर आ गया है, लेकिन धूप नहीं है, धूप एकदम ख़त्म हो गया, देखिए बादल पर छिप गया सूरज। दोस्तों अब जा रहे हैं नीचे के लिए, धूप तो नहीं हो रहा है, दादी और फुआ भी अभी सो गई होगी। दादी देखिए दोस्तों अभी यहाँ पर झाड़ू लगा रही है, अब फुआ भी उधर बर्तन धो रही है शायद। आटे भीन के आया बाबू, इन लोग को तबीयत खराब हो गया, सर्दी खांसी, जा धूप में थोड़ा आराम करो, खाना भी नहीं खाया। दोस्तों अभी शाम के 4 बज चुके हैं, और एक अच्छा है खबर कि पापा का लोडिंग का बात हो गया गाड़ी का, तो आसनसोल से जाना है रायपुर के लिए, तो कल बोले हैं कि लोडिंग के लिए आना होगा, इसलिए पापा निकल रहे। देखिए मतलब निकल रहे हैं ये बैग पहुँचाने के लिए, कि सुबह कितना बजे तक निकलेगा पापा? अभी प्लानिंग हो रहा है कि 4 बजे सुबह भी निकल सकते हैं, नहीं तो फिर रात में निकलेंगे खाना वाना खा के। और क्या ना, बगल ज़्यादा दूर तो जाना नहीं है, आसनसोल जाना, तभी हम जा रहे, थोड़ा गाड़ी वगैरह स्टार्ट कर लेते हैं, 2-3 दिन से स्टार्ट नहीं हुआ था, अब स्टार्ट करके थोड़ा देख के भी आ जाते हैं कि तो कोई तो है नहीं गाड़ी में, भाई गार्ड तो है वहाँ पर, तो रोहित वाला जा नहीं रहा इस बार। तो अभी क्या कर रहे हैं, सारा सामान पहुँचा ले रहे पहले ही, फिर रात में हम एक एक करके पापा को फिर सुबह को पहुँचा देंगे, तो इसलिए अभी पापा जा रहे हैं।
दोस्तों अभी तो गाड़ी निकल चुके हैं हम लोग, जहाँ पर मेरा गाड़ी वहाँ पे, तो उससे पहले एक नदी पड़ता है छोटा सा, देख सकते हैं इधर और उधर भी है। पहले क्या था कि हमको याद है कि जब हम, मेरा उम्र 14-15 साल होगा, तो हमारे ग्रुप में सब पिकनिक मनाने आए थे, तो उस समय ये रोड नहीं था, ये पुलिया नहीं था, देख सकते हैं। हमको याद है हम लोग उधर पे आए थे पिकनिक करने के लिए, वो साइड में, उसमें पानी बहुत चल रहा था, ये अजय नदी में जाकर टच हो गया। ये रोड पर जब चल रहा था हमको याद आया, पहले हम याद करते थे कि बचपन में हम लोग कहीं पिकनिक करने गए थे, लेकिन कहाँ गए थे ये चीज़ याद नहीं आ रहा था। तो अभी जब हमको सब बताया कि वो वही वाला जो है अभी पुलिया बन गया, तो वो पता नहीं चल रहा है। तो देखिए कितना मतलब चेंजिंग आ गया है, पहले लोग पैदल आता था, साइकिल से आता था, अब तो बाइक, कार, ट्रक भी चल रहा है इसमें। इतना मतलब रोड का भी सुविधा हो गया है, देख सकते पूरा चकाचक रोड बन गया है, पूरा मेरा घर तक जा रहा है, तो बहुत ही बढ़िया हो रहा है। अभी पहले के मामला में, अभी के मामले में लोग जानते थे पैदल ही चलता था, और साइकिल अगर किसी के यहाँ है तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आज तो कार भी है तो कोई खास बड़ा चीज़ नहीं है, कार है, मोटरसाइकिल है, वो तो पैदल चलना ही छोड़ दिया अब। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग भी चल रहे हैं, अभी हमारे घर से 5 किलोमीटर पड़ता है, मेरा गाड़ी यहाँ पर है, लेकिन बाइक के कारण कुछ पता नहीं चल रहा है। तो पहले बहुत पता चलता था कि हाँ भाई पैदल जाना है, उसमें किलोमीटर नहीं, कोस बोला जाता था, ओ 4 कोस, ओ 5 कोस। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग निकलते हैं गाड़ी के पास, चलते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं। जा रहे दोस्तों अब गेट खोलने के लिए, दोस्तों गाड़ी पास तो आ गए अभी, और अभी आ करके सब कुछ देख रहे, सब कुछ ठीक ठाक है मेरा, अभी और गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, 2 दिन से स्टार्ट नहीं हुआ था गाड़ी। जय बाबा विश्वकर्मा, जय माँ लक्ष्मी। गाड़ी अगर 3-4 दिन मेरा गाड़ी खड़ा हो जाता है तो स्टार्टिंग में ट्रेबल नहीं है, वैसे तो पंखाओं का नहीं चलना चाहिए, गाड़ी मेरा बहुत अच्छा लक्ष्मणीय है, और गर्मी के टाइम में था थोड़ा पंखाओं का चलाते थे हम लोग, उसके लगे एक दो बार हुआ है, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, गाड़ी मेरा खड़ा है, कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं। चलिए ठीक है दोस्तों, मेरा गाड़ी तो स्टार्ट हो गया, अब होटल भी चालू नहीं हुआ, होटल भी बंद है अभी, होटल वालों से बातचीत हो गया सब, तो आज रात में हमारा निकलने का प्लानिंग है, और आसनसोल ही जाना है, तो आसनसोल से अपना फिर लोड उड करके निकलेंगे। अपना छत्तीसगढ़ का माल हुआ है, बहुत अच्छा हुआ, डायरेक्ट माल हुआ छत्तीसगढ़ का। चलिए थोड़ा हवा बनाते हैं, अभी इतना दिन हो गया, प्रेशर भी डाउन नहीं हुआ है, देखिए पूरा प्रेशर भी है मेरा, ये तो बहुत होगा, प्रेशर भी डाउन हो जाता है। अभी दोस्तों पापा गए हैं बाहर, और हमको बोले कि ये जितना गाड़ी वगैरह शीशा वगैरह गंदा हो गया है, देख सकते हैं, तो अब जा रही है सब शीशा साफ करने के लिए, क्योंकि आज रात में ही निकलना, 8 बजे तक जो खाना खा के हम लोग फिर निकल जाएंगे, तो जा रहे हैं अब गाड़ी साफ करने के लिए। देख सकते हैं आगे साइड में कितना गंदा हो चुका है, 2-3 दिन से खड़ा था इसीलिए, मतलब बहुत धूल वाला इलाका भी है, पूरा बालू बालू, तो हवा चलने से सब शीशा में ही आ जाता है डस्ट। अब दोस्तों गाड़ी में अगरबत्ती भी जला देते हैं, दोस्तों सब हो गया, अब जा रहे फिर वापस रिटर्न हम लोग, सब लॉक वगैरह करके। दोस्तों गाड़ी तो स्टार्ट कर लिए, सब कुछ ठीक रहा, गाड़ी में सो भी मार दिया, अगरबत्ती तो सब जल गया, सो में कपड़ा वपड़ा सब मार दिए, अब जाते हैं घर, घर से आते हैं खाना वाना खा करके तब चलेंगे। हमें आने का कारण ये था कि हम लोग आना पड़ेगा 3 आदमी बाइक में, और बाइक भी लेना पड़ेगा, इसके लिए कि हम के चलो एक राउंड घूम के भी जाते हैं और गाड़ी भी स्टार्ट कर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब जाने का टाइम हुआ तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ, तो रात में कहाँ से बैटरी लाएँ, क्या करें, तो उसके झंझट के लिए हम अभी आ गए थे चेक करने के लिए। तो ठीक है, विश्वकर्मा बहुत अच्छा है, मेरा साथ दिया है, बैटरी गाड़ी स्टार्ट हो गया, चलते हैं घर तरफ। दोस्तों हम गाड़ी के पास से वापस आ रहे थे, तो हमको मिल गया एक जगह नाश्ता गया था करने के लिए, तो देखिए वहाँ पे पनीर भी बिक रहा है, तो पनीर थोड़ा अच्छा लगा, तो हम कहे चलो ट्राई करते हैं, तो पनीर ले आए हैं, तो हम देखिए आज बना रहे हैं
और पालक पनीर बनाने का विचार हुआ है। पालक पनीर बनाएंगे, पनीर को थोड़ा तल के निकाल रहे हैं, उसके बाद इसको बनाएंगे पालक पनीर। दोस्तों हमारा प्लानिंग तो हुआ था, गाड़ी जब स्टार्ट वगैरह सब कर लिए तो प्लानिंग हुआ था कि रात को 9 बजे खाना वाना खा के जाके निकल जाएंगे यहाँ से। लेकिन एक समस्या क्या हो रहा है कि आज भी मूर्ति भसान हो रहा है हर जगह पे। अभी दुमका, अभी हम दुमका रोड गए थे उधर का भी दुमका जी का दुमका रोड का दुर्गा जी निकाला था, और रोड में देख रहे गाड़ी वगैरह एकदम फाँका है। इसका मतलब है कि जहाँ तक पुलिस रुकवा दिया होगा, क्योंकि मही जाम मिलेगा, नियामतपुर मिलेगा, ये सब जगह पे हमको मिलेगा बाजार वाला एरिया, तो हो सकता है उधर का भी दुर्गा जी आज भसान होता होगा, उसके चलते रोड मतलब ब्लॉक कर देता है। तो प्लानिंग हो रहा है अब क्या कि 4 बजे सुबह यहाँ से निकलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, खाना वाना खा के यहीं से चाहते, क्योंकि जाएंगे तो कहीं जाम में खड़ा कर देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि यहीं पे सो लेंगे आराम से, 4 बजे सुबह उठ कर चले जाएंगे। ज़्यादा दूर तो जाना नहीं है, यहाँ से मात्र 50 किलोमीटर जाना है हमको। सुबह भी जा सकते थे, हम सुबह भी आराम से जा सकते थे, लेकिन मही जाम में थोड़ा सा क्या है कि जगह छोटा है, वहाँ डबल गाड़ी आने के बाद जाम लग जाता है। तो इसके लेकर हम सोच रहे हैं कि सुबह सुबह वो सब क्रॉस कर जाए तो अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, अभी खाना बनाते हैं। दोस्तों मेरा पनीर जो है निकाल लिए तल के, हल्का ही तले हैं, ज़्यादा नहीं तलते हैं। और ये देखिए मेरा ये पालक भी तैयार है, अब ये मेरा लहसुन चले इसमें, पहले तो लहसुन ही डालते हैं, थोड़ा फ्राई करना पड़ता है पालक को। ये देखिए ये थोड़ा सा फ्राई करने के लिए करना पड़ता है। दोस्तों मेरा प्याज टमाटर सब फ्राई हो चुका है, ये देखिए अच्छी तरह हो गया। अब इसमें थोड़ा हल्का सा मसाला, हल्का सा लाल मिर्ची, थोड़ा थोड़ा ही डालना, ज़्यादा नहीं डालना, ये थोड़ा इसको मिला लेते हैं, इसको भी भून जाएंगे अच्छी तरह से। नमक भी डाल देते हैं थोड़ा, और भी गले, वैसे नमक तो पहले भी डाला हुआ था इसको गलाने के लिए, तो ये भी थोड़ा बहुत डाल देते हैं। ये देखिए मेरा पालक पूरा मिक्सर में पिसा हुआ था हम बॉयल करके, देखिए इसको अच्छी तरह से इसको मिलाना है। अभी थोड़ा सा गर्म होगा तब वो मिल जाएगा एक दूसरे में, थोड़ा सा पानी डाल करके करना पड़ेगा। दोस्तों देख सकते हैं मेरा अच्छी तरह से पूरा डबक रहा है, एकदम पूरा मिल भी गया है, देखिए पूरा डबक रहा। अब इसमें चले पनीर डालने के लिए, ये हमारा पनीर थोड़ा मिला मिला के, ये हो जाएगा मेरा पालक पनीर। दोस्तों अभी रात के 8 बज रहा है, गाँव घर में तो मान लो जल्दी खा के सो जाती है, तो उसके लेके भी हम लोग थोड़ा जल्दी बनाना पड़ जाता है कि जल्दी बना लेता है। लग रहा है वो बानर पनीर लग रहा है कम पड़ गया, ये पनीर ज़्यादा पड़ गया, पालक कम हो गया। चलिए ठीक है, पनीर का मात्रा कुछ ज़्यादा ही है, होटल में तो इतना नहीं देगा। अगर पालक पनीर के नाम से तो पालक ही दुनिया भर दिखता है, पनीर उसमें 6-7 पीस दिखता है, लेकिन यहाँ देखिए घर में बनाने का यही फायदा है, आप अपना मन चाह कर सकते हैं। देखिए पूरा पनीर, पालक पनीर मेरा तैयार है, अब एक बार खोलेगा इसको उतार देना है। दोस्तों मेरा खाना लग चुका है, देख सकते हैं पालक पनीर जो बनाए थे वही, और रोटी, दोस्तों मालो तो खा ली है, अब हम लोग अब खा रहे हैं। और सुबह में कैसा लगा खा के बताओ, पालक पनीर? पनीर ठीक लग रहा, पालक नहीं तो उतना अच्छा लगता है। हरा चीज़ खाना नहीं चाहता है जल्दी इधर, ये लोग पनीर को ज़्यादा ध्यान देता है, पालक में बहुत विटामिन होता है, पालक भी खाया करो। दोस्तों खाना तो अपना हो गया, अब बहुत ही स्वादिष्ट बना एकदम पालक पनीर। तो ये चीज़ तो हम लोग गाड़ी में भी ट्राई करते हैं, लेकिन गाड़ी में मिक्सर नहीं मिलता तो उतना बारीक नहीं हो सकता है पालक, तो इसलिए घर पे मिक्सर था तो उसी से हो गया है। और दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहेंगे, अभी जो हमारे भारत सरकार जो है वो एक सब आदमी जितने भी लोग हैं, मन हो सकता है कि कल आए परसों आए, अभी महीना दिन तक एक ट्रायल चलेगा जो एक आपके मोबाइल में अजीब सा एक सायरन बजेगा और उसमें लिखा हुआ आएगा, ये देख सकते हैं मेरा मोबाइल में आ चुका है, ये दिखा के अलर्ट किया जा रहा है। ये मतलब ऐसा चीज़ है जो आपको ये जब आएगा तो एक सायरन टाइप का बजेगा, वो आपका मोबाइल में ये नीचे ओके आएगा तो आपको ओके टिक कर देना है,
इससे क्या होगा कि हमारे भारत सरकार द्वारा उसमें लिखा हुआ भी आप पढ़ सकते हैं उसमें कि अगर कोई आपत आता है, जैसे भूकंप हो गया या किसी बाढ़ का स्थिति आने वाला है, कुछ आने वाला वैसा, तो वो आपको अलर्ट कर दिया जाएगा पहले कि आपके यहाँ पर। तो अभी तो वो लिखा हुआ उसमें, दूसरा चीज़ जिस समय आने का रहेगा वो लिखा हुआ रहेगा, ये चीज़ उसमें लिखा हुआ रहेगा उसमें कि हाँ आपके एरिया में मतलब बाढ़ आने वाला है या भूकंप का झटका आने वाला है ये। तो इसके आप टेंशन मत लीजिएगा, कोई मत घबराइएगा कि आपका मोबाइल भी क्या चीज़ हो सकता है, दो बार आए तीन बार आए, सिर्फ आपको ओके ओके कर देना है बस। वो अभी ट्रायल में है, अभी चेक किया जा रहा है। आज हमारे पास भी हमारे घर में दो दो मोबाइल, दोनों मोबाइल में आया, बाकी दो मोबाइल में नहीं आया है। तो हो सकता है कल आ जाएगा वो सब मोबाइल में, तो हो सकता है आप लोग का मोबाइल में आता होगा, आया भी होगा किसी मोबाइल में। क्योंकि देखिए हर लोग तो अभी टीवी देख नहीं रहा है, सब लोग मतलब मोबाइल पे ही लगा हुआ है। तो भारत सरकार भी ऐसे दिमाग लगाए कि अगर कोई अलर्ट करना किसी को तो मोबाइल के जरिए कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों अभी तो हम लोग प्लानिंग हो गया निकलने का, अब हम लोग को निकलना है क्योंकि हम लोग को कल सुबह का लोडिंग भी है नहीं अपना आसनसोल में, तो लोड करके फिर वहाँ से रायपुर भी निकलेंगे हम। तो चलिए ठीक है, अच्छा ही है, माल भी हमको मिल गया टाइम पे, और जगह पर रामगढ़ होके ही जाएंगे क्योंकि रामगढ़ घर भी जाना है हमको, रामगढ़ वाला भी घर जो बन रहा है वो भी देखना है, और थोड़ा बहुत काम भी रहता है घर पे तो वो भी निपट लेंगे। दोस्तों इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।